क्वेश्चन नंबर थ्री लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए जीरो नहीं है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक रहेगा ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई फोर इन टू नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी प्लस पी स्क्वायर एंड ट्वेंटी फाइव ए प्लस फाइव बी प्लस सी

बहुत ही बढ़िया एक थियरम है जिसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन आप लोग है ना इसको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा यहीं कर दीजिए यहीं करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा ठीक है ना अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन करूंगा इसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी है इसके अंदर एफ ऑफ थ्री बेसिकली नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी ये अगर मैं एलसीएम ले लू फोर ए प्लस टू बी एफ ऑफ टू मेरा फोर ए प्लस टू बी प्लस सी राइट तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा इसको एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री बाय फोर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तो क्लियरली एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री लेस देन जीरो हो गया अब यहां पे वो गॉडली थ्योरम लगेगी जिसका नाम है आई वी टी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ थ्री लेस रूट भी मान सकते हैं तो जो रूट है ना अल्फा वो आएगा बेटा टू से थ्री के बीच में ठीक है अल्फा आएगा टू से थ्री के बीच में अब एक बार अगर आपको यह चमक गया ना तो दूसरा भी चमक जाएगा एफ ऑफ फाइव लिखा है अब इजी है लेस देन क्या है दोस्तों लेस देन ठीक है ना अब आपको क्या दे रखा है दोस्तों टू अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स टू अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स तो देखिए टू अल्फा आपका फोर से सिक्स के बीच में होगा अब इसके बीच में इंटीजर क्या हो गया फाइव ही होगा और बीटा इंटीजर है तो बीटा तो सिक्स ही होगा तो ये आ गया आपका तो अल्फा क्या आ गया बेटा फाइव बाई टू बीटा क्या आ गया सिक्स तो इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी टू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी टू एक्स स्क्वायर सेवनटीन एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू देखिए मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी तो थर्टी प्लस सेवनटीन प्लस टू अपॉन कितना हो गया फोर्टी नाइन बाई टू मतलब ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव इज आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल एम वी टी नहीं है बिटाइए आई वी आई एम वी टी नहीं है आई एम वी टी ना इंटरमीडिएट मीन वैल्यू हाँ आई एम वी टी भी बोल सकते हैं मैं तो आईवीटी बोलता हूँ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये क्वेश्चन दोस्तों देखो कैलकुलस के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक एक ऐसा चैप्टर है जिसकी खुद की वैल्यू भी है जिससे खुद के क्वेश्चंस भी आते हैं जैसा आपने क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू देखा ये क्वेश्चन एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अलग अलग तरीके की मीन वैल्यू थियरम्स पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की मीन वैल्यू थियरम्स पढ़ते हैं आप लोग और फिर उस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बेसिकली इनवेरिएबली आप लोगों को ये चीज समझनी होती है कि यार ये क्या दे रखा है दिस इज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू थ्री दिस वॉज द्रिटिकल थॉट बिहाइंड दिस क्वेश्चन हर क्वेश्चन के पीछे देखो जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे उसमें था. Correct? ना? नहीं 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 ये सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं दोस्तों ऑल दीज क्वेश्चन आर माई मेड क्वेश्चन आई हैव मेड दीज क्वेश्चन मैं कुछ नए नए क्वेश्चन बनाता हूं उसमें से यह क्वेश्चन मैंने बनाया है. तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली लाइक इट हैज टू बी इंस्पायर्ड बाय समथिंग राइट सो दिस इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग बट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आईवीटी से इंस्पायर्ड था बट डिजाइंड बाय मी राइट आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया ठीक है ना